डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, और इसको समझाने के लिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल का यूज करूंगा ताकि आपको ये टॉपिक हमेशा याद रहे, चाहे आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, चाहे इंटरव्यूज में, कहीं पे भी आपको पूछ लेना। ऑल द टॉपिक बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई बार स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वीडियो को सुनने के बाद कोई कंफ्यूजन आपकी नहीं रहेगी। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करवा सकते हो शेयर करके, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में डिफरेंस। तो जो पहली लाइन है ना गाइज, यही एक्चुअल में डिफरेंस है। इसको पढ़ लो, आर यू बिल्डिंग इट राइट, मतलब आप किससे पूछ रहे हो, एक तरह से आप प्रोडक्ट को देख के बोल रहे हो कि आर यू बिल्डिंग इट राइट, हैव यू बिल्ड द राइट थिंग। मतलब कहने का यहां पे आपको आर यू बिल्डिंग मतलब ये इन प्रोसेस की बात कर रहा है, एंड हैव यू बिल्ड मतलब जब मेरा का पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया तब मैं ये क्वेश्चन अराइज कर रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन मैं कब अराइज कर रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन मैं अराइज कर रहा हूं इन एवरी फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब मैं हर फेज में ये चीज पूछ रहा हूं क्या मैं चीज सही कर रहा हूं। यहां पे मैं क्या पूछ रहा हूं, जब मेरा पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया तब मैं पूछ रहा हूं कि whether I have done the right thing or not। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। लेट्स से कि अगर हम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, वो कार को मैन्युफैक्चर करते हैं लेट्स से फोर फेजेस में। पहला फेज है जिसमें वो कार के लेट्स से टायर्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। दूसरे फेज में वो कार का इंजन, मतलब टायर्स वगैरह ऑलरेडी लग चुके हैं, दूसरे फेज में उन्होंने क्या कर दिया, इंजन को सेटअप कर दिया। तीसरे फेज में लेट्स से उन्होंने बॉडी लगा दी, ठीक है, बॉडी बना दी किसी तरीके से, इस तरीके से लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो, डायग्राम पे मत जाना। और चौथे फेज में उन्होंने क्या किया, जो भी पेंट वेंट करना है सारा, लास्ट में फिनिशिंग इंटीरियर वगैरह करके डिजाइन और फाइनल कार को मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो चार फेजेस हैं। तो मैं पहले फेज के बाद जब मैंने टायर्स को सेटअप किया, बेस बनाया, चेसी लगाई, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूं क्या आर आई एम वेदर आई एम बिल्डिंग इट राइट और नॉट, आर यू बिल्डिंग इट राइट और नॉट। ये चीज कहां पे है, इस फेज में। दूसरे फेज के बाद मतलब जब मैंने इंजन सेटअप कर दिया, अगेन मैं पूछ रहा हूं दिस, जब मैंने बॉडी लगा दी, जब मैंने पूरा उसका ढांचा तैयार कर दिया, तब मैं फिर पूछ सकता हूं। और जब मैंने चौथा काम कर दिया तब भी मैं पूछ सकता हूं, लेकिन ये काम कब कर रहे हैं, जब कार पूरी की पूरी बनके तैयार होगी है, मार्केट में आने वाली है, उससे पहले हम उस चीज को चेक करके पता लगाना चाहते हैं कि whether we have done the right thing or not। तो ये सिंपल सा पॉइंट है। तो यानी पहले फेज में आप वेरिफिकेशन करोगे हर फेज में, और लास्ट में आप क्या करोगे, वैलिडेशन करोगे। अब बाकी के तो पॉइंट्स आप जितने मर्जी बना लो, आप जितने मर्जी बना सकते हो, जैसे चेक whether an artifact confirms its previous artifact। artifact का मतलब क्या है, like in between phases by phases आप चेक कर रहे हो। तो every phase में जो भी product का एक partial आपका product बना है, एक partial product बना है, क्या वो previous product से, मतलब previous जो भी आपके specifications थी उसके according बना है, या उससे थोड़ा अलग बन रहा है। मतलब आप हर phase में previous phase को ही आगे क्या कर रहे हो, confirm कर रहे हो। मतलब कहने का कि आप जो rules regulation आपने पहले में रखे थे उन्हीं को लेके आप next phase में चलते जा रहे हो। यहाँ पे क्या है, simply last में आप check कर रहे हो कि क्या मैंने चीज सही बनाई है या नहीं बनाई, क्या मैंने। और यहाँ पे mainly हम check पता क्या करते हैं, यहाँ पे check करते हैं SRS document को, कि यार जब मेरा product final बन गया अब मैं SRS document देखूंगा उसके according बनी है चीज या नहीं बनी, क्योंकि वो actual में legal document है जहां पे कस्टमर ने जो डिमांड की थी और जो मैंने उनको बताया कि हाँ मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा, लीगली साइन किए हुए हैं, और मैं अब SRS डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग चेक करूंगा कि मैंने काम सही किया है या नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें डन बाय द डेवलपर, वही बात होगी ना, जैसे कार के मैन्युफैक्चरर्स हैं, पहले फेज के बाद, दूसरे फेज के बाद, तीसरे फेज के बाद कौन चेक करेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं, मैन्युफैक्चरर्स ही तो चेक करेंगे। यहां पे सॉफ्टवेयर के टर्म में वो डेवलपर्स हो गए। देन टेस्टर, टेस्टर कब चेक करेंगे, जब चीज बन गई, वही मतलब कार आपकी आ चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब उसके ऊपर टेस्टिंग करेगा कौन, टेस्टिंग के लिए अलग से टीम भी होती है, QA टीम भी होती है, या फिर फाइनल में कस्टमर भी टेस्टिंग करता है। तो ये आपका इन एवरी फेज में हम चेक कर रहे हैं। कंसर्न्ड विद द फेस कंटेनमेंट ऑफ एरर्स, मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं
एक तरह से एरर्स को हम चेक कर रहे हैं कि यार कौन कौन से फेजेस में कौन कौन से एरर्स कंटेन है, मतलब कौन कौन से एरर्स जो है वो प्रेजेंट है। और यहां पे हम बात कर रहे हैं एम इज टू मेक फाइनल प्रोडक्ट एरर फ्री, वो तभी एम कंप्लीट होगा ना जब एवरी फेज में वी ट्राई टू रिमूव द एरर। सो एरर्स को हम फाइंड आउट कर करके रिमूव करेंगे सो दैट फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मेरा एरर फ्री हो। Then method involve review, inspection, unit testing and integration testing. ये point जो है वो note कर लेना, ये important है। यहाँ पे review करते हैं, inspection करते हैं, हम walk through किया हमने, simply check किया, unit testing किया and integrated. Unit testing का मतलब है कि part by part, छोटे से छोटे part को हम क्या करेंगे, check करेंगे, और integration मतलब कुछ parts को combine करके हम check कर सकते हैं। ये है system testing. System testing क्या होता है, पूरा system जब तैयार हो गया अब चेक कर रहे हो कि भैया चीज सही बनी है या नहीं बनी है, ये मतलब इन बिटवीन फेज बाय फेज आप चेक करते जा रहे हो। देन स्टैटिक एंड डायनामिक एक्टिविटी, स्टैटिक भी है और डायनामिक भी है, दोनों का मिक्सचर है, मोस्टली ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या है, आप कुछ एग्जीक्यूट करके नहीं देख रहे, आप सिंपली रिव्यू कर रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये डायनामिक है प्योरली। डायनामिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, यहां पर आप कोड चला के देखोगे, यहां पे आप कार को चला के देखोगे, यहां पे आप कार नहीं चला रहे, यहां पे तो कार अभी बनी ही नहीं है, अब तो फेज बन रहे हैं, एक एक करके आप फेजेस में कार को बना रहे हो, तो यहां पे कार चली नहीं है, आप सिर्फ उसको रिव्यू कर रहे हो, नट बोल्ट चेक कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो उसकी प्रॉपरली, लेकिन एक्चुअल में डायनामिक कौन है, ये है। क्यों? क्योंकि इस फेज में आप कार को चला के देखोगे, अलग अलग एनवायरमेंट में कार को चला के देखोगे, अलग अलग ड्राइवर्स उसको देखेंगे चला के, तब जाके वो फाइनल मार्केट में आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये मेन डिफरेंस है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू।